भाई जी, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको, मुस्कुराना तेरा जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना है और आपके बेटे का जो गाना आया है ये जी, कितनी खुशी है आपको? मेरे बेटे का गाना, मेरे बेटे ने इस सॉन्ग में म्यूजिक दिया है और काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। तो मेरे अब तक जितने गाने लिखे हैं, जब भी रिलीज़ होते हैं, खुशी मतलब उस दर्जे से मैं काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे गाने रिलीज़ किए, जब मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है, ये खुशी मेरे बेटे को होगी, जो आर्टिस्ट जिन्होंने गाया उनको होगी खुशी। लेकिन एक बेटे को कहीं भी बाप जो है, हाँ, जब गाना आता है तो होती कि EMI जो है बेटा होता है। मेरा बेटा भी लॉन्च होगा एज ए सिंगर, वो बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है, वो लॉन्च होगा अभी 1-2 महीने में सिंगर, वो एज ए सिंगर लॉन्च होगा। तो उसमें ज़्यादा मैंने मेहनत की है, म्यूजिक देता है, बहुत अच्छा कंपोज़र है, कई फिल्मों में कर चुका है, अभी कई फिल्मों में काम कर रहा है। उसने बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छा गाना तैयार किया है, कंपोजिशन उसकी बहुत अच्छी है। मैंने जो लिखा था उसके ऊपर जो उसने धुन बनाई है, जो कंपोज किया है, वो मुझे लगता है बराबर इंसाफ किया है उसने। सर, आपने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं जी, तो अपने बेटे को क्या क्या टिप्स दिए आपने, कैसे करना चाहिए, करना चाहिए, इसमें कितनी हेल्प करते हैं आप? उसको इस लाइन में आए हुए 7-8 साल हुए हैं, और उसके 7-8 सालों में मेरी लाइफ के 35 साल और ऐड कर दो, वो सारा तजुर्बा जो मेरा है वो उसको मैंने उसको दे दिया, जो मैं दे सकता था वो सारा तजुर्बा मैंने उसको दे दिया। उसकी कंपोजिशन में वो बात नज़र आती है, उसके काम में वो बात नज़र आती है। पैसा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी कानपुर। कानपुर से जी। कानपुर से बॉलीवुड तक की जर्नी की बात करें, कौन सा सन था जब आप पहुँचे यहाँ पर? तो बहुत लंबी कहानी है, हज़ार एंटर बन चुका है ये कुछ 1985 या 1984 की बात है, जब यहाँ घूमने आया था, घूम घाम के चला गया था, कुछ लोगों से मिला था, फिर 88 में मैं आया हूँ वापस, 88 में। उस दौरान में आने के बाद मैं शंकर जयकिशन से मिला, आर.डी. बर्मन साहब से मिला, उस दौर में जो वक्त अपने दौर के बादशाह हैं सारे लोग, आर.डी. बर्मन साहब, शंकर जयकिशन साहब, तो उनके साथ में कई मीटिंगें हुई, और मैंने सबसे पहले लिखा शंकर जयकिशन साहब के लिए। वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई आज तक, फिल्म का नाम था दिल का मुसाफिर, और उसके बाद दूसरी फिल्म मैंने लिखी आर.डी. बर्मन साहब के साथ में, तुम करो वादा, रोबिन खोसला साहब की फिल्म थी, वो रिलीज़ हुई पर दिल है कि मानता नहीं के बाद में रिलीज़ हुई। उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे रेती इंडस्ट्री में मेरी पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई, पब्लिक के सामने आई, और जो फिल्म थी वो थी दिल है के मानता नहीं, और सॉन्ग आया दिल है के मानता नहीं, टाइटल सॉन्ग मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। वहाँ से फिल्म लाइन का मेरा सफ़र शुरू हुआ, और तब से लेके आज तक जारी है। मतलब आपकी जो पहचान है जी, कौन सी फिल्म से आप कह रहे हैं उससे मेरी पहचान बनी? पहचान बनी दिल है के मानता नहीं से, ऑफ कोर्स दिल है के मानता नहीं मिला आपको, जब पहली बार लोग आपके सेल्फी ले रहे, फोटो ले रहे, सेल्फी का तो टाइम था जी, वो तो दौर अलग था, वो दौर तो अगर सच पूछूं मैं भूला भी नहीं हूँ। जिस वक्त दिल है के मानता नहीं रिलीज हुआ, तो उसके कुछ 6 महीने के बाद ये आलम था कि जब पोस्ट ये खत लेके आता था, तो आसपास बिल्डिंगों में या लोग घरों में जितने नहीं होते थे, एक एक गोनी भर के लाता था वो खत घर पे फैल लोगों के। और उसकी ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, भट्ट साहब ने बोला कि ये मील का पत्थर है, दिल है कि मानता नहीं। जब वो आया है तो 3 साल कंटिन्यूस विना का प्रोग्राम का नाम बदल गया शिवा का, अमीन सयानी साहब, रोज़ डेली सुबह कंटिन्यूस विदाउट नाका चला है 3 साल तक, वो दिल है कि मानता नहीं कंटिन्यूस 3 साल तक रेडियो पर सुबह चला, एक टाइम फिक्स था, एक प्रोग्राम फिक्स था, दिन भर कितना आता था वो नहीं पता, विना का और शिवा का पर जो बाद में प्रोग्राम नाम बदल गया था उसका, 3 साल तक कंटिन्यू दिल है के मानता नहीं चला, और वो दिल है के मानता नहीं मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद तो फिर कभी साजन है, हकीकत है, कानून है, फिर कभी पीछे इम्तिहान है, इम्तिहान साजन और लेटेस्ट बात करें साजन और दबंग जी, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है इन्होंने, मैंने मैं जो आपने नाम लिया उसका भी महेश भट्ट साहब की फिल्म थी जी, तो ये जो बड़ी फिल्में हैं जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके? सब अच्छा रहा सबके साथ में, बड़ी हो या छोटी हो, सबके साथ में अच्छा रहा। उस दौर में जितनी फिल्में लिखी हैं, वो दौर अलग था म्यूजिकल उस वक्त था, अच्छी मेलोडी आज भी है, पर उधर पोइट्री शायरी और उस वक्त के मुखड़े जो गाने होते थे थोड़ा डिफरेंट होते थे, गीत और गज़ल की शक्ल में होते थे। आजकल वो अंदाज़ बदल चुका है, ना नज़्म होती ना गाने होते, वो समझ में नहीं आता, लेकिन पहले का जो अंदाज़ था वो डिफरेंट था और बहुत खूबसूरत था। आज का अंदाज़ भी अच्छा है, पर कुछ लोग अच्छा काम करते, पहले ज़्यादातर लोग अच्छा काम करते थे, फ़र्क है इस बीच में। और सारी जितनी फिल्में की हैं मैंने अल्लाह करम, अब वहाँ शुरू है, मुझे ये भी लिखना पड़ी राहुल राठौर, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, राहुल राठौर पर मैंने सारी ज़िंदगी फ़िलोसफी रोमांटिक इमोशन लिखा है, लेकिन लिखना यही पड़ता है, हटा सावन की घटा, चिकनी कमर पे मेरी दिल फिसल गया, करना पड़ता है, सब हेट गाने हैं, पब्लिक को देख के सब करना पड़ता है। आपने जो
हैं साहब, समय के साथ हर चीजें बदलती जाती है, जो चीज आप पे है सर, आपके बेटे उस चीज को बदल के कुछ नया देख रहा है, यंग जनरेशन में नया पुणे नई नई चीजें आती है, हम भी सीखते हैं जो नए नए लड़के लड़के आते हैं, लेकिन जो गाना है दबंग का जी, क्या आपने अलग किया था उसको? तेरे मस्त मस्त दोनों ने अलग कुछ नहीं, अलग क्या किया? देखो राइटर के लिए कोई भी, जब कोई भी शायर जब लिखता है तो ख्याल में तस्वर में कहीं ना कहीं कुछ तो होता है। अगर मैं बोलूँगी, अगर मुझे पहले से मालूम है कि गाना सलमान पर फिल्माया जाने वाला है, सलमान खान है, तो मैं अपने आप को सलमान, ऐसा कुछ नहीं, एक ख्याल में होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, कहीं कुछ देखा, किसी का मुस्कुराना अच्छा लगा, किसी की आँखें अच्छी लगीं, कहीं कुछ वही सब्जेक्ट है, तेरे मस्त मस्त दो ने वो गाना नॉर्मल कुछ रोमांटिक सिचुएशन थी, गाना पहले लिखा हुआ था, वो मैंने कहीं याद नहीं मुझे जहन में नहीं, कब कहाँ किसके लिए क्या लिखा वो जहन में नहीं है, पर लिखा हुआ रखा था, मुखड़ा तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। जब ये फिल्म शुरू हुई दबंग, तो सलमान भाई ने सुना गाना, तो सलमान भाई बोलते कि फैज भाई इसमें टेक ऑफ बना लो, टेक ऑफ मतलब इसके ऊपर कुछ लेके आओ दोहा टाइप, या शेर लेके आओ कुछ, या दोहा कुछ टाइप। तो फिर रात को 2 बजे सेटिंग की साजिद वाजिद के यहाँ, सलमान भाई साजिद वाजिद हम लोगों ने 2 बजे रात को सेटिंग की, तो उसका जो ऊपर का है जिसको बोलते दोहा, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे नैनों में बसियाँ जैसे नैनी है मेरे, वो वहाँ रात को लिखा फ्रेश और उसकी धुन बनी, फिर पूरा गाना अंतरे बंतरे वहीं रात को बना, 3-4 बजे गाना रेडी हुआ था। ये दो रहने मेरे पास पहले से पड़ी थी, वो कहीं लिखी होंगी, कभी याद नहीं कब कहाँ कैसे लिखा था, ऑलमोस्ट ऐसा होता है जी। इसके अलावा रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आपके लिए? रनिंग प्रोजेक्ट बाद ही कुछ फिल्में कर रहा हूँ 1-2, और मैं अपनी कंपनी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी इस वक्त, जो मैंने अपना म्यूज़िक लेबल खोला है फेम स्टूडियो, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं तराश रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि अच्छा म्यूज़िक मार्केट में आए, अच्छी शायरी अच्छी पोइट्री आए, और फिर करना तो मुझे वो भी पड़ेगा जो मार्केट में आजकल चल रहा है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट गाने हैं, आइटम नंबर चल रहे हैं, रिगेटन बीट चल रही है, बहुत सारे डिफरेंट अंदाज चल रहे हैं, सब पे काम करूंगा, लेकिन कोशिश रहेगी अच्छा काम आए मार्केट में जी। और सर सिंगिंग का भी शौक तो रखते हैं आप? नहीं शौक तो पसंद है, गाता नहीं, थोड़ा बहुत मैं गुनगुना लूंगा, एक अलग बात है। फेवरेट गाना कौन सा है जो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं मुंबई आने से पहले, मुंबई आने के बाद? सच बताऊं ऐसा फेवरेट के में जो हमेशा गाऊं ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं सच बता रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगर कौन जो गाने बहुत सारे पसंद हैं? सिंगर कौन आपके फेवरेट? सारे फेवरेट हैं पुराने, जो सारे मतलब बहुत सारे, मैं किशोर साहब को बहुत पसंद करता हूं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे साहब, इन सबको पसंद करता हूं, पुराने जो भी हैं, पुराने मतलब अलग से बहुत सारे लोग, जो लता मंगेशकर हैं, आशा जी हैं, सबको पसंद करता हूं कि अच्छा गाया और अच्छा अपना इनका रुतबा था, मकाम था, नाम था, ये नहीं इसलिए, पर ये लोग वाकई अच्छा गाते थे इसलिए सारे पसंद। स्ट्रगल की बात करें जी, आपका स्ट्रगल कैसा रहा? बहुत खूबसूरत था, सच बताऊं तो स्ट्रगल क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला, बहुत आराम से स्मूथ गया, क्योंकि स्ट्रगल मेरा बहुत स्मूथ गया, स्ट्रगल जैसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे नसीब में नहीं होगा शायद, लोग जो करते वो उनका नसीब है, वैसा पकड़ लो, बहुत जल्दी आते आते सब कुछ हो गया जी। मोहम्मद अजीज साहब के साथ आपने कुछ वाक्य हुआ? अजीज भाई के साथ अपने काम तो काफ़ी किया, पर उनके साथ क्या बोलना चाह रहे हैं वाकया? मोहम्मद अजीज साहब को एक शिकायत रहती थी कि इंडस्ट्री मुझे याद नहीं करती है, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि जब उनकी नहीं, देखिए क्या है ना, उनको अगर शिकायत रहती है, उनको सलाम किया जाता है, तो वो हर जगह हर लाइन में होता है, अगर अजीज भाई को शिकायत रहती तो मुझे याद नहीं करते लोग, भाई जिन प्रोड्यूसरों ने उनको गवाया आज बुलाया, कल मार्केट में दूसरे सिंगर आ गए, दूसरे संगीतकार आ गए, उनको अगर आवाज़ उनसे ज़्यादा बेहतरीन अच्छी लगी तो बुलाते थे, ये तो इसके लिए कोई शिकायत नहीं कर सकता कि यार मुझे बुला नहीं रहे, मुझे याद नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, ये तो फिर उनकी अपनी पर्सनल बात हो गई, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोल सकता, उनकी अपनी पर्सनल शिकायत रही होगी। नहीं वो पर्सनल किसी कंपनी से खुन्नस हो या कुछ हो, अनबन हो, इख्तलाफात पैदा हो गए दिल में, वो एक अलग बात है, वैसा बाकी हर लाइन में होता है, मैं पर्सनल नहीं बता सकता उनका क्या, बाकी इंडस्ट्री में तो मैं शुरू से देख रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अब चौथे हुए सूरज की आप बात करेंगे तो सही भी है, वो तो हर फील्ड में होता है, हर जगह होता है, हर जगह हाँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे गाने गाए, और जो गाए तो इंडस्ट्री में लोगों ने काम दिया है, प्रोड्यूसरों ने उनको गवाया तभी तो गाए हैं ना, अब एक वक्त ऐसा आया जहाँ उनकी आवाज़ लोग कम पसंद कर रहे हैं, किसी दूसरे की पसंद कर रहे हैं, कुमार शानू की या किसी और की, तो वो पब्लिक की चॉइस होती है, पब्लिक जो पसंद करती है उसी हिसाब से आदमी करता है। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।